आज मसाला किचन में बन रहा है बसंत पंचमी स्पेशल बेसन का हलवा। सूजी का हलवा तो ज़्यादातर सभी को बनाना आता है, लेकिन बेसन का हलवा अगर हम सही रेशो से सही तरीके से नहीं बनाए तो सारा बना बनाया काम बिगड़ भी सकता है। बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज बना रहे हैं एक हलवा। ये बहुत ही अमेजिंग है, टेस्टी है, मिनटों में बनेगा घर में रखी सामग्री से। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ मैंने पौना कटोरा, कोई भी एक घर में कटोरी ले लीजिए, पौना कटोरा मतलब 3/4 कटोरी। मैंने पानी लिया है, इसमें चीनी वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ, मुझे चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ मैं उसे उबाल रही हूँ। मेरे पास केसर की पत्तियाँ हैं तो मैं वो डाल रही हूँ, अगर आपके पास ना हो तो थोड़ा सा कलर डाल दीजिए, क्योंकि बसंत पंचमी के हिसाब से बना रहे हैं तो थोड़ा बसंती कलर तो आना चाहिए। और हाँ, अगर आप घर में बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कलर ना भी डालेंगे तब भी वो अपने आप में बहुत ही अच्छा बनेगा। अभी मैंने इसमें पानी सिर्फ 3/4 कप ही लिया है, बाद में मुझे कितनी ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। देखिए, पानी और केसर में उबाला आ गया है, इसे हम हटा देते हैं। यहाँ मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, लेकिन कटोरी पूरी भरी हुई नहीं है। यहाँ पर मैं 2 चम्मच उसमें डाल रही हूँ बारीक वाली सूजी, जो हलवे की सूजी होती है, आप मोटी भी डाल सकते हैं। और वही कटोरी का नाप जो है, मैंने 1/2 कप घी लिया है, लेकिन घी एकदम से आप पूरा मत पलटिए, थोड़ा बचा के रखिए। ये देखिए मैंने बचा लिया है। अब इस घी में मैं डाल रही हूँ बेसन। बहुत ही आसान है, कुछ खास ट्रिक्स अगर आप फॉलो करेंगे तो। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिए, बिल्कुल भी इसे फुल गैस पर नहीं पकाएं। इस समय ये बेसन बिल्कुल सूखा सूखा लग रहा है, लेकिन ये अपने आप ये सॉफ्ट सा हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि कढ़ाई जो है थोड़ी मोटी होनी चाहिए, फ्लेम भी स्लो होनी चाहिए। हमने कई टाइप के हलवे बनाए हैं, सूजी का हलवा, रवा केसरी, ये आज बेसन का बना रही हूँ, बहुत सारे हलवे। आपको जो अच्छा लगे आप ज़रूर बनाइए। घर में बसंत पंचमी के दिन पूजा होती है, अगर मीठे चावल बनाने हैं, कई घरों में मीठे पुए बनते हैं, कई घरों में कुछ भी मिठाइयाँ बनती हैं, आज मुझे लगा बेसन हमारे घर में हमेशा होता है, आज उसी को ही बना लेते हैं। और ये स्वादिष्ट भी बहुत बनता है, झटपट बन जाता है। ये देखिए पहले से बेसन कितना सॉफ्ट हो गया है। अभी करीब करीब 5 से 6 मिनट हो गए हैं इस बेसन को, यहाँ देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। आपने कभी बेसन का हलवा बनाया है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए घी अभी मैंने नहीं डाला है। बेसन अच्छे से भुन चुका है, करीब करीब यहाँ पर 9 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक और ट्रिक बताती हूँ, 1 चम्मच आप दूध डाल दीजिए, उससे क्या होगा कि ये जो है दानेदार हलवा बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, अक्सर हम जो हलवा बनाते हैं, जो मैंने पानी उबाला था उसमें चीनी डालते हैं, लेकिन यहाँ पर आप चीनी अभी डाल दीजिए। चीनी मैंने करीब करीब 1/2 कप से थोड़ी ज़्यादा ली है, बिल्कुल परफेक्ट मीठा बनेगा। अगर आप ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो थोड़ी सी और डाल दीजिए, अब कम मीठा चाहते हैं तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। चीनी और बेसन को साथ साथ में भून लीजिए। अब चीनी जो है वो घुलेगी नहीं, लेकिन ये एकदम स्वादिष्ट हलवा बनाएगी, क्योंकि ये भी अपने आप भून भून के कैरमलाइज्ड होगी चीनी। बेसन के लड्डू कई टाइप के आपने बनाए होंगे, ये हलवा बहुत ही बढ़िया बनेगा, ये इंस्टेंट बन जाता है, देरी नहीं लगती। यहाँ देखिए, जो हमने केसर और पानी को उबाल के रखा था उसमें मैंने 1 पिंच कलर भी डाल दिया, बसंती कलर, और मैं अब इसमें स्लो गैस पे धीरे धीरे चला रही हूँ। लम्स ना हो इसके लिए आपको धीरे धीरे इसे चलाना होगा। पानी डलने के बाद चीनी भी घुलेगी और ये धीरे धीरे बेसन का हलवा पकेगा। बिल्कुल आप पता ही नहीं कर सकते कि ये बेसन का हलवा है या सूजी का हलवा है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप अभी अभी सर्व करने जा रहे हैं सबके लिए, तब तो ये परफेक्ट है। अगर आपको थोड़ी देर रखना है तो इसमें थोड़ा सा पानी मैं और डाल के अभी आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बेसन जो है रखने के बाद थोड़ा ड्राई हो जाता है। इसे मिक्स कीजिए जब तक कि चीनी अच्छे से पक ना जाए। चीनी का दाना बिल्कुल नहीं रहना चाहिए यहाँ पर।
बसंत पंचमी के दिन हम मीठे चावल कैसे बनाते हैं वो रेसिपी भी मैंने दी है, उसे आप ज़रूर चेक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, धीरे धीरे धीमी गैस पर ये बेसन भुन रहा है, इसे मैं दूसरे गैस पर रख देती हूँ। यहाँ पर ले रही हूँ मैं एक छोटा सा पैन, जिसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून घी। इसमें डाल रही हूँ मैं आधी आधी कटी हुई बादाम। ये बादाम बहुत ज़्यादा है, मुझे थोड़ी सी हलवे में डालनी है और मुझे कुछ और भी बनाना है, तो मैंने उसके लिए भी एक साथ ही रोस्ट कर रही हूँ। बादाम डालें ना डालें, ये हलवा अपने आप में ही बहुत ही टेस्टी बनेगा। चाहे तो कुछ दाने आप चिरौंजी के डाल दें तब भी चलेगा, पर जो भी ड्राई फ्रूट आप डालें थोड़ा रोस्ट करके ही डालें तो स्वादिष्ट बहुत बनेगा। 3 से 4 मिनट के लिए धीमी धीमी गैस पर आप बादाम को रोस्ट कर लीजिए और इस बादाम को निकाल के अलग रख दीजिए। बादाम को भूनने में कभी भी ज़्यादा घी नहीं लगता है, बस उसे घी में भूनने से उसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ देखिए, चीनी बहुत अच्छे से घुल चुकी है, पर फिर भी मैं यहाँ पर कम से कम 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर पानी और डाल रही हूँ, जिससे होगा क्या, हम कितनी देर भी इस हलवे को रखेंगे ये हलवा ड्राई नहीं होगा, ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट सा हलवा रहेगा। सूजी में जैसे 3 गुना 4 गुना पानी डाला जाता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो एक बार लई जैसा लगेगा। तो खास बात का ध्यान रखें, बेसन परफेक्ट भून लें, उसके बाद ही आप इस तरीके से पानी डालें। ये बहुत ही परफेक्ट रेशो है इसका। कुल मिला के 1 कप पानी मैं डाल चुकी हूँ। अब देखिए, इस हलवे में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी बादाम रोस्ट की हुई। लग रहा है ना बहुत ही बढ़िया सा हलवा। बिल्कुल नहीं कह सकते हमने ये सूजी का नहीं बेसन का हलवा बनाया है। और चाहे तो शाइनिंग के लिए 1/2 चम्मच ऊपर से आप घी डाल सकते हैं। तो देखा ना आपने, 1/2 कप घी अगर हम पूरा डाल देते तो घी बहुत ज़्यादा हो जाता। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। मेरे यहाँ बसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहनते हैं और पीले का ही भोग लगता है। आपके यहाँ बसंत पंचमी कैसे मनाई जाती है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप चाहें तो इस हलवे में ऊपर से थोड़ी पिस्ते की कतरन भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से नरम सा, मुलायम सा, दानेदार सा, बहुत ही बढ़िया बसंती कलर का हलवा बनकर तैयार हुआ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए। हैप्पी बसंत पंचमी। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन।